गाइस, आप देख रहे हैं मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट। और आज की इस वीडियो में मैं जो एक्सपेरिमेंट करूंगा वो करूंगा इस मैग्नेट के साथ। अब यहाँ पर मेरे पास एक स्पीकर है जिसका मैंने पर्दा हटा दिया, इसमें सिर्फ एक अदद मैग्नेट लगा हुआ है। तो दोस्तों, हमने बचपन में बहुत सारे मैग्नेट के साथ खेला है, यानी खेलने के लिए हम क्या करते थे कि मकनातीस को निकालते थे किसी मोटर से, किसी स्पीकर से, और उसके बाद उसको लोहे के दरवाजों पर या लोहे की कीलों के ऊपर चिपकाकर देखते थे। तो दोस्तों, क्या होगा अगर हम लोहे को इस तरह से कर दें कि वो चिपकना बंद कर दे, यानी कि लोहे के साथ हम कुछ इस तरह से करेंगे आज की इस वीडियो में कि वो मैग्नेट पर चिपकना बंद कर देगा। तो दोस्तों, उसके तीन तरीके होते हैं। पहला ये, लोहे के अंदर से अल्टरनेटिंग करंट गुजार दिया जाए तो भी वो चिपकना बंद कर देता है। अगर उसको किसी हैमर के जरिए कूट दिया जाए, यानी कि बहुत ज्यादा उसके ऊपर चोटें लगाई जाएं, तो भी वो चिपकना बंद कर देता है। और इसका तीसरा तरीका होता है कि किसी भी मेटल को उसके क्योर पॉइंट तक, यानी कि एक टेम्परेचर तक बहुत ज्यादा गर्म कर दिया जाए, तो उसके बाद भी वो चिपकना बंद कर देता है। तो दोस्तों, इन तीनों तरीकों में से मैं जो तरीका इस्तेमाल करूंगा वो करूंगा आग का, यानी फायर का। यानी कि लोहे को मैं उसके क्योर पॉइंट तक लेकर जाऊंगा, यानी क्योर टेम्परेचर तक लेकर जाऊंगा, वो होता है 770 सेंटीग्रेड, उसके बाद वो चिपकना बंद कर देता है। तो दोस्तों, एक तरफ मैग्नेट होगा और दूसरी तरफ से हमारे पास एक मेटल की सुई होगी, यानी लोहे की सुई होगी, और उसको हम गर्म करेंगे और वो चिपकना बंद कर देगी, यानी कि वो अगर हवा में होगी तो वो गिर जाएगी। तो दोस्तों, इसके अलावा मैग्नेट्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? तीन टाइप्स जो हैं वो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। वो तीनों टाइप्स मैं आपको दिखाऊंगा वो किस तरह से बनती है, उनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट शामिल होते हैं, वो भी मैं आप इसको इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट्स। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई टाइप्स ऑफ मैग्नेट की। ये दोनों एक ही टाइप के हैं, ये हैं न्यूटेनियम मैग्नेट, उसके बाद ये दोनों सिरामिक मैग्नेट हैं, और ये जो है ये रबर मैग्नेट है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा महंगा ये वाला मैग्नेट होता है, उसके बाद सस्ता ये वाला होता है, और ये सबसे ज़्यादा सस्ता होता है। ये हार्ड ड्राइव के अंदर इस्तेमाल होते हैं, BLDC मोटर यानी कि ड्रोन्स की मोटर जो होती हैं उनके अंदर इस्तेमाल होते हैं, और इनकी एफिशिएंसी हाई होती है। ये दोनों जो हैं ये सिरामिक मैग्नेट हैं, इस पर पॉलिश हुई हुई है इसके ऊपर, और ये स्पीकर्स के अंदर इस्तेमाल होता है। ये थोड़े सस्ते मिलते हैं। और इसके बाद ये आती है तीसरी किस्म, ये टेप रिकॉर्डर की मोटर वगैरह और ऐसे हल्के कामों में इस्तेमाल होता है, और ये रबर मैग्नेट है, और ये सबसे ज़्यादा सस्ता होता है। तो दोस्तों, अब मैं इनको करीब से दिखाता हूँ और फिर इनके बारे में बताता हूँ कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, ये हैं न्यूटेनियम मैग्नेट। तो ये होते हैं हमारी हार्ड ड्राइव के अंदर, और इनकी पावर सबसे ज़्यादा होती है। ये देखिए, ये चिपक जाए तो फिर इसको छुटाना काफ़ी मुश्किल होता है, ये देखिए। और अगर ये थोड़े बड़े साइज़ के हों तो फिर ये आसानी से हटते भी नहीं हैं या निकलते भी नहीं हैं, ये बहुत मुश्किल हो जाता है इनको आपस में से अलग करना। तो दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं, और इसकी वजह ये है कि इनके अलग अलग ग्रेड होते हैं। इसको न्यूटेनियम मैग्नेट कहते हैं, और ये N52 ग्रेड के हैं जो मेरे पास हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा हाई फाई। तो दोस्तों, आयरन और बोरोन को मिलाकर इनको बनाया जाता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पे जो है हमारे पास ये सिरामिक मैग्नेट है, इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं होती है। ये स्पीकर के अंदर होते हैं, और ये बच्चों के खेलने के लिए इसके ऊपर पॉलिश हुई हुई है। ये जो मैग्नेट हैं बिल्कुल लो कॉस्ट होते हैं, और ये आसानी से मिल भी जाते हैं, और ये जो है ऐसे कामों में इस्तेमाल होते हैं जो कि जो है ज़्यादा एफिशिएंट ना हो। यानी कि कुछ ऐसे काम भी होते हैं जैसे कि स्पीकर है, उसमें सिर्फ एक कॉइल को ही थरथराना है आवाज़ के लिए, तो दोस्तों उसके लिए ऐसे हाई फाई मैग्नेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, इनको स्ट्रॉन्शियम, आयरन ऑक्साइड, बेरियम और निकल और जिंक मिलाकर बनाया जाता है, यानी कि मुख्तलिफ किस्म की धातें इसमें शामिल होती हैं, और इसको सिरामिक मैग्नेट भी कहा जाता है और फेराइट मैग्नेट भी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है इस रबर मैग्नेट की। दोस्तों, इसके साथ क्या किया गया होता है, इसके अंदर रबर होता है, और रबर के साथ वही वाले इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं जो कि फेराइट मैग्नेट में होते हैं, यानी जो कि इन सिरामिक मैग्नेट के अंदर होता है, वही सब कुछ पाउडर की सूरत में इसके अंदर मिला दिया जाता है। यानी कि स्ट्रॉन्शियम, आयरन ऑक्साइड,
और बेरियम, निकल और जिंक, इन तीनों चारों धातुओं को मिलाकर जो है इसके रबर के अंदर शामिल करके पिघला के एक साथ मिला दिया जाता है। और ये देखें इसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल रबर की तरह होती हैं। इस तरह ज़्यादा हम मोड़ दें तो ये टूट भी जाते हैं और ये बिल्कुल रबर की तरह होते हैं। ये टेप रिकॉर्डर की मोटर्स वगैरह के अंदर इस्तेमाल में आते हैं और इनकी कॉस्ट जो है सबसे ज़्यादा लो होती है क्योंकि इनकी एफिशिएंसी भी सबसे ज़्यादा कम होती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हमारे मेन प्रैक्टिकल की या मेन तजर्बे की। तो दोस्तों उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मैं उसका आप सेटअप लगाता हूं और फिर आप देखिएगा कि एक लोहे की सुई को हम किस तरह से डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं फायर की मदद से। तो गाइस मैं आ गया हूँ अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ। भाई ये रहा मेरे पास एक अदद मैग्नेट और इसके साथ ये रही मेरे पास एक सुई। सुई के साथ मैंने यहाँ पर एक धागा बांधा हुआ है। धागा इसको होल्ड करके रखेगा यानी पकड़ के रखेगा और ये सुई जो है मैग्नेटिज्म की वजह से हवा में हो जाएगी यानी ये मैग्नेट की तरफ जाने की कोशिश करेगी और धागा इसको खींच के रखेगा। तो दोस्तों देखिए इस तरह से ये हवा में मुअल्लक हो जाएगी यानी कि लिविटेट हो जाएगी। ये देखिए आपके सामने ये सुई इस वक्त बिल्कुल हवा में है। वो इसलिए है कि धागे ने इसको इस तरफ से फोर्स लगाई हुई खींच के रखा हुआ और उस तरफ से मैग्नेटिज्म की वजह से ये हवा में है। तो दोस्तों इसको डीमैग्नेटाइज करना है। जैसे ही मैं इस लोहे को डीमैग्नेटाइज करूंगा जो कि हमारा प्रैक्टिकल का मेन मकसद है, तो दोस्तों जैसे ही ये डीमैग्नेटाइज होगी तो ये सुई हवा में से गिर जानी चाहिए। तो इसको डीमैग्नेटाइज करने के जो तीन तरीके मैंने आपको बताए थे उसमें से एक तरीका मैं इस पर अप्लाई करूंगा। मैं इसको गर्म करूंगा और ये सुई गिर जाएगी। तो दोस्तों मैं इसको गर्म करना शुरू करता हूँ। ये रहा गाइस मेरे पास एक लाइटर। अब इसको हम जलाते हैं और फिर इसको गर्म करने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं ये सुई गिरती है या फिर नहीं गिरती है। हम तो पैदाइशी साइंसदान हैं, आप ये घर पर ट्राई करने की कोशिश मत करिएगा। तो गाइस ये देखें मैंने इसको थोड़ा सा ही गर्म किया था और ये गिर गई। तो दोस्तों इसको अब दोबारा करके देख लेते हैं। ये देखिए वो फ़ौरन ही डीमैग्नेटाइज हो गई थी। अब इस वक्त ये दोबारा से जो है अलाइन हो चुकी है। अब मैं इसको दोबारा से गर्म करता हूँ। तो गाइस जैसे ही मैं इसको टेम्परेचर देता हूँ ये फ़ौरन ही डीमैग्नेटाइज हो जाती है। अब मैं एक काम और करता हूँ, इसको थोड़ा सा करीब करता हूँ और करीब करने के बाद फिर इसको डीमैग्नेटाइज करने की कोशिश करता हूँ ताकि इसको ज़्यादा टेम्परेचर देने के बाद हम इसको इस तरह से कर सकें यानी देर से ये गिरेगी। तो दोस्तों इस सुई को जो है मैं थोड़ा सा और करीब कर देता हूँ कुछ ऐसे। ये देखें इसका मैंने डिस्टेंस कम कर दिया। अब हम इसको गर्म करते हैं और फिर यही प्रैक्टिकल एक बार दोबारा से करके देख लेते हैं। तो गाइस आपने इस बार देखा होगा सुई ने थोड़ा सा टाइम लिया यानी इसको बहुत ज़्यादा मुझे टेम्परेचर देना पड़ा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड को इसने छोड़ दिया यानी कि इसके जितने भी एटम थे वो अगर अलाइन थे तो वो डिसअलाइन हो गए और उसने जो है मैग्नेटिज्म को छोड़ दिया और वो हवा में लिविटेट जो थी सुई वो गिर गई। तो दोस्तों इसकी एक और मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ। अब ये देखिए मैग्नेटिज्म की एक और मिसाल इस तरह से दी जा सकती है कि मेरे पास लोहे के दो टुकड़े हैं। अब ये देखें मैं इनको जोड़ने की कोशिश करता हूँ आपस में तो ये कभी भी एक दूसरे से नहीं चिपकते। ये आप देख सकते हैं ये चिपक नहीं रहे। अब मैं क्या करता हूँ इसको मैग्नेटिक फील्ड के पास लेकर आता हूँ स्पीकर के पास कुछ इस तरह। अब इसके साथ अगर मैं इसको अटैच करूँगा यहाँ पर तो ये देखें मैग्नेटिज्म की वजह से बआसानी अटैच हो जाएगा। अब इसको भी मैं अटैच करता हूँ तो ये भी इसके साथ बआसानी अटैच हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं सिर्फ मैग्नेटिज्म की वजह से। जैसे ही मैं मग्नातीस के पास से इन तीनों को हटाऊंगा तो फिर ये गिर जाएंगे। ये देखिएगा ऐसे ये देखें गाइस ये गिर गए। तो मैं आपको इस वीडियो में एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ कि छोटा सा न्यूटेनियम मैग्नेट कितना भारी पंखा उठा सकता है यानी कि वो खुद तो इतना सा होगा बिल्कुल ज़रा सा और वो अपने से कई गुना वजन को उठा सकता है। तो ये भी मैग्नेटिज्म की एक मिसाल है यानी N52 ग्रेड के मैग्नेट कितने ज़्यादा मजबूत और पावरफुल होते हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो वो नेक्स्ट शूट में मैं आपको दिखाता हूँ।
तो गाइज उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने समझने और जानने को आपको जरूर मिला होगा। कम से कम आपको ये तो पता चल गया होगा कि लोहे को किस तरह से डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है और इसके अलावा मैग्नेट्स कितने किस्म के होते हैं और इनके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं। दोस्तों ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं भाई, मुझे सपोर्ट करने का आपका बेहद शुक्रिया। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब का बटन दबा दें, इस तरफ आ रहा होगा, और अगर आप पुराने तो दिल से थैंक यू। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।